आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम आरंभ हो गया है। जल स्रोतों की शुद्ध नगर पालिका को लेने की जरूरत है। नगर पालिका अगर अकर्मण्यता दिखा रही है तो नागरिकों को खुद को मैदान में उतरना पड़ रहा है। संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट सिवनी ब्यूरो से। सिवनी शहर में जारत नाके पर स्टेट बैंक कॉलोनी में एक कुआं है, बहुत बड़ा कुआं आप देख सकते हैं। इस कुएं में गंदगी अटी पड़ी है। बार बार नागरिकों ने इसे साफ करने के लिए नगरपालिका से अनुनय विनय आग्रह निवेदन सब कुछ किया, पर नगरपालिका के कानों में जूं भी नहीं रहेंगी। इस सब के बाद देखिए आप, यहाँ के स्थानीय नागरिक खुद कुएं में उतर कर गंदगी को साफ कर रहे हैं। जल स्रोतों की अगर सफाई लगातार की जाए तो गर्मी के मौसम में पानी के संकट से कम उबरा जा सकता है। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक कॉलोनी जारत नाके पर स्थित है। शहर की यह सबसे पुरानी कॉलोनी मानी जा सकती है, जो पूरी तरह विकसित कॉलोनी हुआ करती थी, पर नगरपालिका परिषद में जिस तरीके से घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसके चलते ये कॉलोनी आज भी वैध कॉलोनी की सूची में नहीं आ पाई है। जबकि यहाँ नालियाँ और सारी सुविधाएं थी, पार्क की जगह छूटी हुई है, सब कुछ होने के बाद भी इस कॉलोनी को वैध कॉलोनी की सूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए नागरिक यहाँ खुद ही उतर कर सफाई कर रहे हैं। वर्तमान में जिलाधिकारी प्रवीण सिंह खुद इस नगर पालिका परिषद के प्रशासक हैं। इस नाते उन्हें ही कम से कम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को इस बारे में निर्देशित किया जाना चाहिए कि शहर में जल संकट को देखते हुए गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए यहाँ कम से कम अभी जल स्रोतों की सफाई का काम आरंभ करा दिया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। घर पर ही रहें, घरों से न निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलें। घर से अगर आप निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, परिवार के साथ समय बिताएं, बुखार सर्दी खांसी होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे रखें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।